नक्सली की डायरी से मिले सुराग के कारण पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला है। डेविड नाम के नक्सली ने अपनी डायरी में नक्सलियों द्वारा जंगल में डंप किए गए हथियारों का लेखा जोखा लिख रखा था, जिसके आधार पर यह जखीरा पकड़ने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजनांदगांव में 1 जुलाई को छुरिया के जोक और कटेगा के समीप जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी। एक नक्सली को पुलिस ने दूसरे दिन सुबह झोपड़ी से घायल अवस्था में पकड़ा था, जिसका नाम डेविड बताया गया था। इसके बाद उससे बरामद डायरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डेविड की डायरी की बदौलत नक्सलियों द्वारा जंगल में जमीन में गाड़े गए हथियारों का जखीरा पकड़ने में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। डेविड छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दर्रेकसा एरिया में सक्रिय होकर काम कर रहा था। डेविड के पास से AK-47 पिस्टल मैगजीन सहित कई अन्य सामान भी बरामद हुए थे। डेविड के पास से एक डायरी भी बरामद की गई थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लगे थे। डेविड की निशानदेही पर पुलिस ने सामानों का जखीरा बरामद किया। डेविड उर्फ उमेश के नाम बताया कि ग्राम घोबे दली मांगी खोली छुई पानी के बीच जंगल पहाड़ी में 4 अलग अलग जंगल एम्यूनेशन डेटोनेटर वायरलेस सेट एवं नक्सली साहित्य को स्टील के डिब्बे में जमीन में गाड़ कर रखा गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।